जी हम आपको घड़ी का डायल बाहर से दिखा रहे हैं। ये इसी तरीके से चारों फेस, चारों तरफ के डायल चल रहे हैं। इस समय 2:10 हो रहा है, घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। ये डायल का सिटी हार्ट होटल की तरफ वाला फेस है, टाइम बिल्कुल सही बता रही है घड़ी। ये सेकंड डायल बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताता हुआ, बल्कि यहाँ से दोनों ही डायल देख रहे हैं। विद्यालय परिसर से ये दोनों ही डायल दिखाए जा सकते हैं, बाकी दोनों डायल विद्यालय परिसर से नहीं दिखेंगे। फ्रंट डायल देखने के लिए करीब तालाब से देखना पड़ेगा या मंदिर से दिखेंगे। ये ओवरनाइट है जिससे समय चलती है। ये घड़ी का पार्ट, घड़ी का पार्ट, ये छतरी के व्हील है, उसको खेलिए बैठिए। ये पेंडुलम चलता हुआ, चलता हुआ पेंडुलम है। सेंटर व्हील, ये बैरल है, बैरल है, ये पेंडुलम है, और ये छतरी के व्हील है ऊपर, और ऊपर ये छतरी के व्हील है जो चारों तरफ डिवाइडिंग करते हैं, चारों तरफ सुइयों को चलाते हैं, ये छतरी के व्हील इनको कहते हैं। ये पेंडुलम, ये पेंडुलम जो चल रहा है छतरी को व्हील देगी, एक और ये कनेक्शन व्हील है, और ये छतरी के व्हील है जो चारों तरफ चलाते हैं, चारों तरफ सुइयों को चलाते हैं। कनेक्शन व्हील है जिससे टाइम मिलाया जाता है, यहाँ से टाइम मिलाया जाएगा, तो खोल के इसके टाइम मिलाया जाएगा, और ये टाइम मिलाने के व्हील है, और चारों इसका कांटेक्ट मशीन से है जो चारों तरफ चलाएंगे, ये व्हील चारों तरफ चलाएगा। ये वेट है, इसके वेट से घड़ी चलती है, ये वेट बनाया है, 60 किलो का वेट है, 60 किलो वेट से ये घड़ी चलती है। ये पुली सिस्टम, ये पुली सिस्टम, डबल पुली सिस्टम है, ये 8 दिन की चाबी है, और ये इसका कनेक्शन है इधर से। अब आप हमको चाबी भरने का टेक्निक दिखा रहे हैं। हाँ, चाबी का सिस्टम यह है कि ये इस चाबी को यहाँ पे लगा के, चाबी ये लगाई और लगाने के बाद घड़ी को 1 मिनट के लिए रोक लिया जब तक चाबी नहीं भर रही है, ठीक है, इसको रोक के और चाबी को ये इस क्लॉकवाइज इससे चाबी घुमाने से ये वेट जो है, ये वेट ऊपर को जाएगा, देखिए जा रहा है, चौबीस घंटे में आप बता रहे हैं कि ये 10.25 इंच नीचे आएगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी चाबी भरने से ये एक हफ्ते का करीब हो जाए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।